हेलो डियर स्टूडेंट, नीट एग्जामिनेशन की और मैक्सिमम 30 डेज बचा हुआ है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा होते हुए भी उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस टिप्स के बारे में बता देता हूँ। टिप्स नंबर वन, आपको अभी कोई न्यू चैप्टर या फिर न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कोई न्यू चैप्टर अभी आपके दिमाग में डालेंगे तो इससे आपका दिमाग थक जाएगा, जिसके कारण आपने पिछले 1-2 साल में जो सारे चीज पढ़ाई किए हैं वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका ब्रेन कोई मशीन नहीं है। सो गाइस, अच्छा है कि आप न्यू टॉपिक्स को अवॉइड कीजिए। टिप्स नंबर टू, आपको अभी ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और अगर रिविजन की बात करें तो आपको उन चैप्टर को ज्यादा रिवीजन करना है जो चैप्टर नीट एग्जामिनेशन के लिए डू और डाई चैप्टर माना जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व के बारे में बात करें तो आपको कम से कम दिन में 3 से 4 क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही होगा, चाहे वो नीट का हो या फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे नीट में अप्रोक्स 20-30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है। टिप्स नंबर 3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, और अगर आप इस टिप्स को फॉलो नहीं किया तो नीट में सिलेक्शन की चांसेस आपका बहुत कम हो जाएगा। और गाइस, मैं बात कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की, जो कि नीट एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम की वजह से बहुत स्टूडेंट एग्जाम में इजी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। गाइस, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिन के दिन क्वेश्चन पेपर लेंदी होते गए, जिसके कारण क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल वो कम होता गए, लेकिन गाइस कट ऑफ जो है वो हाई होते गए। सो गाइस, टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और गाइस, आप इन 30 दिनों में टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप कॉम्पिटिशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप घर में जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आप टारगेट रखिए कि उनको 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की प्रयास कीजिए। सो गाइस, ये था 3 इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आप फॉलो करेंगे, मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अभी कोई भी रूमर्स की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप बस आपकी हेल्थ, आपकी नींद, इन सारे चीज पर ध्यान रखिए और आप खुद का केयर कीजिए। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।